हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डॉन बॉस्को एकेडमी पटना फर्स्ट न्यू टेस्ट 2022-23 स्टैंडर्ड 6 का मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो न्यू टेस्ट हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। इस टेस्ट पेपर में आपको फुल मार्क्स 20 मार्क्स के थे और आपको टाइम दिया गया है 1 आवर का। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, इस वीडियो में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। कह रहे हैं पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का ए 168 × 36 + 168 × 64। तो वहाँ यहाँ पे आप इक्वल के साइन के बाद 168 × दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर में प्लस में इस तरह का साइन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 डिजिट यहाँ फुल करना है। तो देख रहे हैं दोनों में आपको 168 कॉमन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर दिया हुआ था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको एक में 36 लिखना है और दूसरा में 64 लिखना है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, 36 + 64 लिखना है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा -10 का। तो -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए इस तरह का करिएगा तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव में 10 होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 10। टर्म्स 3a + b r किसका क्या है, यहाँ जो टर्म क्या क्या है, तो देखिए 3a + b में आपको 2 टर्म है, एक लिखिएगा यहाँ पर, एक लिखना है आपको 3a और दूसरा लिखना है आपको b। तो 3a और b लिखना है, हो गया। डी नंबर आपको डिफाइन करना है कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट किसे का किसे कहते हैं। तो सच पॉइंट बोलेंगे, सच पॉइंट्स लाइज ऑन, सच पॉइंट्स या ऑल पॉइंट्स, या सच पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन कॉल्ड, क्या बोलेंगे, कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। जैसे देखिए एक लाइन पे बहुत सारा पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स a b c d, इस सब क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फोर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2y³ - 3y + 5, एंसर द फॉलोइंग, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको आंसर देना है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। तो देखिए काउंट कीजिए 1, 2, 3, तो पहला का आंसर 3 देना है। व्हाट इज द कॉन्स्टेंट टर्म इन द एक्सप्रेशन, कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ 5 है, तो इसका राइट आंसर आपका 5 देना है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्यू, तो वाई क्यू का कोएफिशिएंट देखिए यहाँ पर क्या है, वाई क्यू का कोएफिशिएंट वाई क्यू के साथ कौन सा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, प्लस में 2 है, तो ये सिंपल आपको 2 लिखना है। और व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, डिग्री क्या है, तो देखिए सबसे वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप, 3 का सॉल्यूशन कैसे होगा, फाइंड आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर ऐड होगा तो क्या मिलेगा, तो ये नेगेटिव ही मिलेगा, तो माइनस में क्या लिखिएगा बताइए, तो 275 हो गया, ठीक है, माइनस में, फिर प्लस दे के आपको लिखना है 500। अब यहाँ देखिए एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपको सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होने पे क्या लिखिएगा, यहाँ पॉजिटिव का साइन ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, तो 500 में 370 घटाएंगे तो 125 फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह के आप लिखिएगा। चले उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 2, 7, 4, 6, 0, 5 विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं करना है। तो 4 का सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बताइए, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो हो जाएगा, तो देखिए स्मॉलेस्ट नंबर में आपको सबसे पहले तो 0 नहीं रखना है, तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन है, 2, 0 के बाद 2 है,
तो टू लिखना है, टू के बाद आपको जीरो देना है, जीरो के बाद आपको कौन देना है, 4, 5, 6, 7। तो ये आंसर आपका स्मॉलेस्ट हो गया। और ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7, पहले लिखेंगे 7 के बाद 6 लिखेंगे, 6 के बाद 5 लिखेंगे, 5 के बाद 4, 2, 0, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है, इंटीजर का प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस में लिखेंगे तो 6, 126 हो गया, फिर इंटू माइनस 8 कर दिया। अब देखिए पॉजिटिव है निगेटिव है, तो इंटू करेंगे तो निगेटिव में रिजल्ट आएगा, और इंटू कीजिए 6, 8 जा 48, ठीक है, और 8 जा 16, और 4, 20, और यहाँ से हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा आपका, इसको इंटू कर लीजिए, 48, 4 हो गया, 48, 4, 20 हो गया, ठीक है, और 8, 2, 10, ठीक है, -1008 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो उसके बाद है 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपको मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, 3, 231 को छोड़ देंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10+1 के फॉर्म में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 231 × 10 हो गया एक साथ, और 231 × 1 हो गया, इसको करेंगे तो 2310, और यहाँ से 231 हो जाएगा, फाइनल ऐड करने पे आपको आ जाएगा 1, 4, 5, 2, 2541 आपका आंसर हो गया। चलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 6th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए उसी तरह दिया हुआ है, इफ़ x=1, y=2, फाइंड 3x+y। तो 3x की जगह पे आपको 1 रखना है, प्लस 4 × y के जगह पे 2 रखना है, तो बताइए 3 × 1 = 3, और 4 × 2 = 8, डेट इज 11 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 1725, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 37 सच कैलकुलेटर। तो सिंपल क्या है, प्राइस इजकल टू क्या निकालना है, तो प्राइस इजकल टू हो जाएगा इंटू खाली कर देना है, तो प्राइस इजकल टू ₹1725 × 37, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस तरह बनाना है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 गिव्स द क्वेश्चन 20 एंड द रिमाइंडर 18, ठीक है, ये फाइंड द नंबर निकालना है। तो नंबर इजकल टू क्या हो गया, डेट इज ए डिविडेंड इजकल टू फार्मूला होता है, नंबर डेट मीन्स डिविडेंड इजकल टू, यहाँ से फार्मूला लगाइएगा डिवाइजर इंटू क्वेश्चेंट, क्वेश्चेंट होता है प्लस क्या होता है रिमाइंडर, ये फार्मूला का आपको यूज कर लेना, फिर लिख लेना है यहाँ से डिवाइजर आपका कौन है, देखिए विच वेन डिवाइडेड बाई 35, डिवाइजर यहाँ 35 है इंटू क्वेश्चेंट है 20 प्लस, और रिमाइंडर कितना 8 है, बस इसको इंटू करिएगा तो क्या 700 + 18 हो जाएगा, फाइनल आंसर 718, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को बनाए होंगे और आपका पेपर अच्छा गया होगा, और प्लीज़ ये वीडियो आप लोग को बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह आपका यूनिट टेस्ट का जो भी क्वेश्चन आएगा सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।